हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि युवा संत के चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विधि के बारे में जो कि हमारे भारत में 90% लोग करते हैं इसको, और जाने अनजाने चाहे उसे मान करके करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वह जानते नहीं है, सिर्फ मानते हैं। जानना और मानने में बहुत ही अंतर। एक ऐसी विधि के बारे में बात करूंगा जिस विधि का नाम है पूजा और पाठ, यानी कि पूजा पाठ व्रत नियम और ध्यान तप जो भी है। ये इस चीज को मानने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरीके के वे लोग जो कि जानते हैं और उस चीज को साइंटिफिकली तरीके से जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। दूसरे वे लोग जो कि सिर्फ मानते हैं कि मेरा मानना ये है कि ऐसे होता है, यानी कि सिर्फ मानते हैं, करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस सिर्फ मान लिया कर लिया, मतलब उनका करना और ना करना जो है एक जैसा होता है। तो पूजा पाठ जो होता है वो क्या है? देखिए, पूजा पाठ जो है अगर उसके साइंटिफिक रीजन को समझ लेंगे तो आप उससे अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे, और सिर्फ मान करके अगर उसे करेंगे तो आप सिर्फ करेंगे, उसके अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो जाने अनजाने आपको प्राप्त हो जाए बात की बात है, और आप ये मान करके बैठ जाएं कि भाई ये मेरा पूजा व्रत नियम करने से हुआ है, तो ये आपका अंधविश्वास है। अब बताता हूं कि पूजा पाठ करने के क्या हुआ तरीका है और क्या मानना और जानने में अंतर है। देखिए, मानने का मतलब यह है कि भाई कि किसी ने कहा यार मेरा मानना है कि पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख संपत्ति आता है, ये आपने मान रखा है। लेकिन अगर आप जानोगे तो भले ही आपके घर में धन संपत्ति ये वो आए चाहे ना आए, लेकिन आपका मस्तिष्क तेज हो जाएगा और इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप उससे बहुत सारे धन संपत्ति बना लेंगे। अब बताता हूँ कि पूजा पाठ जो एक ऐसी विधि है जो कि आपको नियमित बनाता है। नियमित बनाने का मतलब ये हो गया कि आपको एक शेड्यूल में बांधता है, आपको लापरवाह होने से बचाता है, आपको वह बेलगाम घोड़ा होने से बचाता है, आपको वह नियमित करता है, संयमित करता है, जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो सके और बहुत बढ़िया हो सके। पूजा पाठ आपको एक शेड्यूल बना के देता है। जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठते हैं, फिर आप मल मूत्र करके एकदम फ्री होते हैं, उसके बाद आप नहान धोवान करके आप पूजा पाठ की तैयारी करते हैं और अपने मन को पूजा पाठ में लगाते हैं। इससे क्या हुआ कि आप एक तो प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले उठ रहे हैं, दूसरा कि आप नहा रहे हैं डेली, तीसरा ये हो गया कि सुबह जल्दी उठने से आपको सुबह का जो स्वच्छ हवा है वह आपको मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका मेंटल स्टेटस जो है ऑलरेडी अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। तो इस तरह से आपने जो पूजा पाठ किया ये आपका रेगुलर हो गया, यानी कि ये आपने एक नियम बना लिया कि इस तरह से आप करें। कल जो पूजा पाठ करते हैं मान लिया उन्होंने, तो वो मान लिया वाला जो पूजा पाठ होता है वो क्या कहते हैं, कभी 4 बजे उठेंगे, कभी 5 बजे उठेंगे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, और कभी चढ़ता हुआ जब धूप रहेगा ना तब जा करके पूजा करने जाएंगे, कहेंगे भगवान। तो इस तरह से आप नियम में नहीं बंधे, और कब का खाना कब, कब उठना कब सोना, आपका कोई नियम नहीं है, यानी आप बेलगाम घोड़े हैं, कब कहाँ गड्ढे में गिर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। जिस तरह से शराबी का कोई नियम नहीं होता है, कभी ज़्यादा पी लिया, कभी कम पी लिया, कभी नाली में पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो मानने वाले लोग होते हैं ना वह इस तरह के होते हैं, और जो जानने वाले लोग होते हैं वह उस तरह के होते हैं जो कि मैंने पहले ही बताया कि वह नियम से बंध जाते हैं। इससे वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से मान सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं। यही है पूजा पाठ करने के फायदे, और पूजा पाठ जो होता है वो आपको नियमित बनाता है। पूजा पाठ आपको भगवान से नहीं मिलाता है, पूजा पाठ करने से आपको धन संपत्ति नहीं मिलती है, पूजा पाठ करने से आपको बच्चे नहीं मिलते हैं, बीवी नहीं मिलती है जो आप ढूंढते हैं, पूजा करने से आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है। बल्कि अगर आप जान करके पूजा पाठ करेंगे, जाने जाने में नहीं करेंगे, तो आपको ये फायदा होगा कि जब आप जान करके करेंगे तो आप नियमित उठेंगे, नियमित सारे काम करेंगे, और सब काम आपका नियमित रूप से होगा। और जब आप ऑलरेडी जब सूर्य उदय होने से पहले उठेंगे, सूर्य उदय होते हुए देखेंगे, तो आपका मन अपने आप ही हर कामों में लगेगा। जब हर कामों में लगेगा तो आपकी बॉडी ऊर्जा जो होगी, मानसिक ऊर्जा जो होगी, वह ऑटोमेटिकली आपको अच्छी चीज़ें ला करके देगी, यानी कि आप उस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और आप उसे प्राप्त करेंगे। ये होता है पूजा पाठ करने के फायदे, बस और कुछ नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर। जब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।